अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोजोम। ये बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का फोर्थ चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइसोजोम, इट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फोर्थ चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर। बेटे लाइसोजोम जो है वो एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, ये जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, ये फर्स्ट टाइम डी डब ने ड्राफ्ट किया था 1949 में। ये दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल से मुख्तलिफ होता है ड्यू टू इट्स मॉर्फोलॉजी की वजह से। ये दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल की से बहुत मुख्तलिफ होता है, ये क्योंकि गॉल्जी अपैरेटस से रेज करता है उनकी सिस्टर्नल से, तो इसमें विजिकल मौजूद है, इसलिए हम इसको सिस्टर्नल विजिकल भी कहते हैं। और ये जो है सिंगल मेम्ब्रेनस है, क्या है ये है सिंगल मेम्ब्रेनस और इसमें एसिडिक फास्फेटेज मौजूद होता है। ये एसिडिक फास्फेटेज का जो फंक्शन है, जो काम है, ये फर्स्ट में स्टार्ट में लाइसोजोम को इनएक्टिव करता है, फर्स्ट में इनएक्टिव करता है इसी एसिडिक फास्फेटेज की वजह से, और देन बाद में जो है लाइसोजोम जो है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि एसिडिक फास्फेटेज मीडियम खत्म हो जाता है, इसलिए ये एक्टिव हो जाता है। अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया, लाइसोजोम जो है एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, इसको डी डब ने 1949 में दरियाफ्त किया था। ये जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से बहुत दूसरे ऑर्गेनेल से मुख्तलिफ है, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसका मॉर्फोलॉजी बहुत ही मुख्तलिफ है, क्योंकि ये गॉल्जी अपैरेटस के विजिकल सिस्टर्नी से अरेंज करता है, तो इसलिए इसको सिस्टर्नल विजिकल कहते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेनस है और इस ये इसमें एसिडिक फास्फेटेज होता है, क्योंकि एसिडिक फास्फेटेज जो है उसका ये फंक्शन है कि पहले इसको इनएक्टिव रखता है और बाद में लाइसोजोम को एक्टिव कर देता है। और दूसरा हम इसका पार्ट पढ़ते हैं, ये लाइसोजोम जो है इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है बेटे कि जब जब कोई फूड वैक्यू फूड पार्टिकल या और कोई पार्टिकल एंट्री करे, गेन एंट्री इनटू द सेल, जब कोई पार्टिकल सेल के अंदर फॉरेन पार्टिकल बह से आए और सेल के अंदर एंट्री करे, तो वो इसका फॉरेन इंजेस्ट कर लेता है। बेटे क्या कर लेता है, फॉरेन इंजेस्ट कर लेता है। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, जो बाहर से कोई पार्टिकल अंदर आए सेल में, तो इसको क्या कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है। तो बेटे आगे इस फंक्शन को हम इसका नाम क्या देते हैं, ये कहलाता है ऑटोफेगी। क्या है, अब लाइसोजोम जो होता है वो एक होता है प्राइमरी लाइसोजोम, दूसरा बेटे होता है सेकेंडरी लाइसोजोम। प्राइमरी लाइसोजोम जो होता है इसका प्राइमरी लाइसोजोम को हम प्राइमरी लाइसोजोम उस वक्त कहेंगे जब कोई ये फंक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, परफॉर्मिंग नो फंक्शन, और इसको हम सेकेंडरी लाइसोजोम उस वक्त कहेंगे बेटे
जब ये कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, यानी जब ये कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा तो इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे, और जब ये कोई फंक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। जब एक माइटोकॉन्ड्रिया, आप समझ लें, एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके सेल ब्रेक होते हैं, उनकी डेथ होती है, तो फिर नए सेल पैदा होते हैं। ये तो ये किसकी वजह से, कौन कर रहा है इनकी, उनकी ब्रेक डाउन, उनकी डाइजेशन कौन कर रहा है? लाइसोसोम। कौन बेटे? लाइसोसोम। और लाइसोसोम यहाँ क्योंकि फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लाइसोसोम को क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। लाइसोसोम की वजह से बच्चों में बहुत ही बीमारियां पैदा होती हैं पैदाइशी तौर पर। इनमें ये बीमारी भी पैदा होती है पैदाइशी तौर पर, मतलब कंजेंशनल डिजीज पैदा होते हैं। ये डिजीज इस वजह से पैदा होते हैं, ये पैदाइशी डिजीज होते हैं। ये डिजीज बेटे इस वजह से पैदा होते हैं जब हमारे जिस्म में ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मिकदार में एकुमुलेट हो जाते हैं। अभी जो है टेसेक डिजीज़ जो है वो इस वजह से पैदा होता है क्योंकि एक एंजाइम हमारे बॉडी लाइसोसोम में मौजूद है, वो एंजाइम जब अपनी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, यानी लिपिड को कैटाबोलाइज नहीं करता, लिपिड की कैटाबोलाइज नहीं करता, तो इस वजह से टेसेक्स डिजीज पैदा होता है बेटे। और दूसरा जो है हमारे ब्रेन में भी लिपिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से हमारा, हम उस बीमारी को मेंटल रिटार्डेशन या उसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। और जो वो होते कौन है, वो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो अपनी जब फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, उनकी एब्सेंस आ जाती है, तो इस वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ओके।